हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद अरविंद। और आज हम लोग जो है सामान्य हिंदी यानी हिंदी के 100% का जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सबसे खास बात अभी जो हाल में जो एग्जाम होने वाला आपका जो है NVS का, और इसके अलावा जो है या झारखंड एग्जाम जो है या बिहार एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो है हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से जो है लावा। ये जो लावा वर्ड है इसमें जो है आवा प्रत्यय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनु, यानी अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका अनु, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 42, यानी हिंदी में जो है कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो 42 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी यानी क्रिया, यानी कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा आपका क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा यानी दीर्घई, यानी हर्षई, इसके बाद क्या होता है आपका दीर्घई, यानी सावधानी प्रत्यय में परित तो प्रत्यय क्या है आपका दीर्घई, यानी सावधानी, यानी क्या हो जाएगा आपका दीर्घई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संधि, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है आपका संधि बनता है। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ से जो है संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कर्णधारय समास किसमें है, कर्णधारय समास किसमें है। तो कर्णधारय समास जो है आपका इसमें हो जाएगा नीलोत्पलम में जो है आपका कर्णधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीही समास, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, तो बहुव्रीही समास होता है। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में जो है आपका कर्मधारय समास होगा, यानी दीनानाथ में जो है कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमुख में कौन सा समास है। तो दशमुख में जो है आपका समास होगा बहुव्रीही समास, दशमुख में कौन सा समास होगा आपका बहुव्रीही समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें सही समासिक पद है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी त्रिलोकी आपका जो है सही समासिक पद है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी देश प्रेम में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपका कौन सा समास होगा, तो पंचवटी में जो है आपका बहुव्रीही समास होगा, पंचवटी में कौन सा समास होगा बहुव्रीही समास। चलिए अगला क्वेश्चन है,
युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वैभव, यानी वैभव शब्द में जो है आपका रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आप लोगों को पता होगा कि देशज विषय तत्सम तद्भव देशज और इसके अलावा क्या होता है विदेशज, तो आपका जो है इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो कि क्या है देशज है, तो देशज इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोटा, ये जो लोटा वर्ड है ये कौन सा शब्द है देशज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये आपका कहलाएंगे यौगिक, है ना, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, झुठलाना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा यानी झुठलाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मृगनयनी में कौन सा समास है, तो मृगनयनी में जो है आपका जो है कर्मधारय समास होगा, मृगनयनी में कौन सा समास होगा तो कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा तो उल्लेख, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति, है ना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, तो वीर या आल्हा जो है आपका कौन सा जाति का छंद होगा, तो वर्णिक जाति का, कौन सा जाति का, वर्णिक जाति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वेद, है ना, इसमें कौन सा भाव होगा और कौन सा अस्थाई भाव होगा, तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है आपका निर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रोध जो है किस रस का अस्थाई भाव है, तो क्रोध जो होगा ये आपका जो है रौद्र, है ना, क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस आपका जो है टोटल हो जाएंगे आपका 9 प्रकार के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, है ना, तो हिंदी साहित्य का नवा रस हो जाएगा आपका शांत, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव होगा आपका रति, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है, तन पर नहीं लगता
पान खाए अलबत्ता का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, झूठा दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुरे काम से बुराई मिलना, यानी बुरे काम से क्या होगा बुराई मिलना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूजा नाम चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुरे का और बुरे से संग होना। क्या हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। चलिए निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शक्ति का भेद नहीं है, तो शक्ति का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, तो रस, ये जो रस है ये आपका शक्ति का भेद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी सभी साथी एक ही जैसे, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो नाश कर देना इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, पानी फेर देना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल पक जाना का अर्थ है, तो दिल पक जाने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विवेक से काम लेना। क्या हो जाएगा, अंदर के पट खोलना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, विवेक से काम लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, चलिए फिर से भी रिवीजन हो जाएगा, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है, तो कोयले की दलाली में मुंह काला करने का अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुरे काम से बुराई मिलना, यानी बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लुकुटी का अर्थ है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभव होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुभव होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी तालमेल ना होना। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या हो जाएगा आपका तालमेल ना होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है,
डिस्कस राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, असंगत बातें करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना का अर्थ है, तो अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अंगूठी का नग होने का जो है अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा आपका, अनुरूप जोड़ा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढपुर ढपुर शंख का अर्थ है, ढपुर शंख का अर्थ है, ढपुर शंख का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेवकूफ। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बेवकूफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी धोखे से धन जमा करना। क्या हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना, यानी राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, धोखे से धन जमा करना। अगला क्वेश्चन है, जाके जाके पाव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, जाके पाव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, तो समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कठोर परिश्रम करना है ना, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या हो जाता है, कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह नहीं है ये किसमें हो जाएगा आपका, अवतरण में, पूर्ण विराम निर्देशक निर्देशक चिन्ह अल्प विराम, लेकिन जो है ये जो विराम अवतरण में जो है आपका क्या है, विराम चिन्ह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय, यानी उद्देश्य और विधेय ये क्या होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल का विलोम होगा, सरल का विलोम होगा, सरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरल का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यानी सरल का क्या हो जाता है, कुटिल, है ना, सरल का क्या हो जाता है, कुटिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण का विलोम होगा, गुण गुण का विलोम क्या हो जाएगा, तो गुण का विलोम जो है हो जाता है आपका दोष, यानी गुण का उल्टा क्या होता है, दोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढाढ़स ढाढ़स का विलोम होगा, ढाढ़स का विलोम होगा, तो ढाढ़स का विलोम क्या हो जाएगा आपका जो है, त्रास, यानी ढाढ़स का विलोम शब्द हो जाता है त्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंग्रीत झंग्रीत का विलोम होगा, झंग्रीत का विलोम क्या हो जाएगा, तो झंग्रीत का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, है ना, यानी निस्तब्ध निस्तब्ध क्या हो जाएगा, झंग्रीत का विलोम निस्तब्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, झीना का विलोम होगा, झीना का विलोम होगा, झीना का विलोम क्या हो जाएगा आपका, झीना का विलोम हो जाएगा गाढ़ा, झीना का विलोम क्या हो जाएगा आपका, गाढ़ा। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम होगा, जंगम शब्द का विलोम होगा, तो जंगम शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अस्थावर, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, अस्थावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय का विलोम होगा, जातीय का जातीय शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो जातीय शब्द का विलोम होगा आपका विजातीय, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छद्म का विलोम होगा, छद्म का विलोम होगा, तो छद्म का विलोम क्या हो जाएगा, छद्म का विलोम हो जाएगा व्यक्त, छद्म का विलोम विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेष्ट चेष्ट का विलोम होगा, चेष्ट चेष्ट का विलोम होगा, तो चेष्ट का विलोम क्या हो जाएगा आपका, चेष्ट का विलोम हो जाएगा निश्चेष्ट,
है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहण का विलोम है, ग्रहण का विलोम है, तो ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये त्याज्य, क्या हो जाएगा त्याज्य, ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा त्याज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुण किसका विलोम है, गुण जो है, गुण शब्द जो है ये आपका, गुण शब्द जो है ये किसका विलोम है, तो गुण शब्द जो है ये किसका विलोम हो जाएगा आपका मूर्ख का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु किसका विलोम है, गुरु शब्द जो है आपका, गुरु शब्द जो है ये किसका विलोम है, तो ये हो जाएगा लघु, यानी गुरु किसका विलोम होगा जो, तो लघु का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरल का विलोम होगा, गरल शब्द का विलोम होगा, तो गरल शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपका यहाँ से सुधा होगा, यानी गरल का विलोम क्या होगा सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत का विलोम होगा, गत का विलोम होगा, तो गत का विलोम क्या होगा आगत, गत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्या है, ये ककरस है ना, ककरस है ना, ककरस का जो है विलोम होगा, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये होना चाहिए था आपका जो है ना कर्कस होना चाहिए था, है ना, ये इस पर होना चाहिए था, ये कर्कस है ना, तो ये आपका इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, तो कर्कस का विलोम क्या हो जाएगा आपका यहाँ से विनम्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होगा, कृतज्ञ का विलोम होगा, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा आपका, यानी कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कृतज्ञ, यानी ये हो जाएगा कृतज्ञ होता है ना उसमें न जुड़ जाएगा आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानन का विलोम होगा, कानन शब्द का जो है विलोम क्या होगा, यानी कानन का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कानन का विलोम क्या हो जाएगा आपका शहर, कानन का विलोम क्या हो जाएगा शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु का विलोम होगा, रिजु का विलोम होगा, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम हो जाएगा बकर, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा बकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत, रीत का विलोम क्या होगा, तो रीत का विलोम क्या हो जाएगा, रीत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनृत, है ना, अनृत क्या हो जाएगा अनृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, उहापो, उहापो का विलोम होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निश्चित, क्या हो जाएगा इसका निश्चित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग का विलोम होगा, उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग का विलोम हो जाएगा आपका यहाँ से जो है प्रत्यय, उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, इहलोक का विलोम होगा, इहलोक शब्द का जो है, इहलोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा आपका परलोक, यानी इहलोक का क्या हो जाएगा आपका यहाँ से परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसक्त का विलोम होगा, तो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्त का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विरक्त, यानी आसक्त का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका विरक्त। अगला क्वेश्चन है, आकीर्ण का विलोम होगा, आकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकीर्ण शब्द का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, यानी यहाँ हो जाएगा आकीर्ण और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा विकीर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोहण का विलोम शब्द क्या है, आरोहण का विलोम होगा, यानी आरोहण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आरोहण शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अवरोहण, है ना, आरोहण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा अवरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औनत का विलोम होगा, औनत शब्द का विलोम क्या होगा, तो औनत शब्द का विलोम हो जाएगा उन्नत, औनत और यहाँ पर हो जाएगा औनत और यहाँ पर क्या हो जाएगा उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम होगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनावृष्टि, है ना, अतिवृष्टि का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा आपका यहाँ से अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिजात्य का विलोम होगा, अभिजात्य का विलोम होगा, तो अभिजात का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो है अभिजात का विलोम हो जाएगा अकुलीन। अभिजात का विलोम क्या हो जाएगा, अकुलीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि अतिथि लिखा है, अतिथि होता है ना, इसका जो अतिथि का विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ना इसका बी हो जाएगा, यानी अतिथेयी, क्या हो जाएगा, अतिथेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द होगा, अथ शब्द का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति, यानी अथ और उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके यहाँ से इति, यानी अथ और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से इति। चलिए अगला क्वेश्चन है अकस्त किसका विलोम शब्द है, अकस्त जो है ये आपका किसका विलोम शब्द है, तो अकस्त जो है विलोम शब्द हो जाएगा बिशप का, यानी क्या हो जाएगा अकस्त और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका बिशप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है, झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो झंझावत आपका जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तूफान का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द है, तो तोता का पर्यायवाची शब्द जो है ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी ये सभी है, यानी तोता का जो है आपका सुआ भी बोलते, सुगा भी बोलते, सुख भी बोलते है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रक शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, चित्रक जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो चित्रक आपका हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ का, यानी चित्रक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृति किसका पर्यायवाची है, वृति शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो वृति शब्द जो है ये आपका जीविका का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची शब्द है, तो जीविका का, वृति जीविका एक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रभाकीट किसका पर्यायवाची शब्द है, प्रभाकीट जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो प्रभाकीट आपका जो है आपका जुगनू का पर्यायवाची शब्द है, प्रभा यहाँ पर क्या है प्रभाकीट और यहाँ पर क्या है जुगनू, यानी जुगनू का जो है पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द आप समझ रहे हैं, समान अर्थ वाला वर्ड होता है ना, यानी एक शब्द के बदले अनेक शब्द है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विपिन का पर्यायवाची शब्द है, तो विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो विपिन का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा आपके यहाँ से जंगल है ना, जंगल। अगला क्वेश्चन है, खल का पर्यायवाची है, तो खल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो खल का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये सभी, यानी खल को जो है दुष्ट भी बोला जाता, नीच भी बोला जाता, पाजी भी बोला जाता है ना, ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। चलिए अगला वर्ड क्या है, धीवर किसका पर्यायवाची है, धीवर जो है ये आपका किसका पर्यायवाची है, तो धीवर आपका पर्यायवाची शब्द जो है किसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवट का, यानी क्या हो जाएगा धीवर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो केवट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन सलाका किसका पर्यायवाची है, मदन सलाका किसका पर्यायवाची है, तो मदन सलाका जो है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका यहाँ से कोयल का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन क्या है, मनुज का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये यहाँ पे मनुज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मनुज का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, कामदेव है ना, मनुज का पर्यायवाची शब्द क्या है, कामदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लालसा, यानी उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका, लालसा, यानी इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है, आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है, आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका यहाँ से वर्तांत है ना, आख्यान का क्या हो जाएगा, वर्तांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्त
सप्तसती में कौन सा समास होगा, सप्तसती में कौन सा समास होगा, तो सप्तसती में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, आपका सप्तसती में आपका समास हो जाएगा यहाँ से द्वाभिहु, है ना, द्वाभिहु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोपाल में कौन सा समास है, गोपाल में आपका कौन सा समास है, तो गोपाल में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो गोपाल में हो जाएगा आपका बहुव्रीही समास। गोपाल में कौन सा समास हो जाएगा आपका यहाँ से, बहुव्रीही समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांति दूत में कौन सा समास है, तो शांति दूत में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो शांति दूत में आपका जो है यहाँ से तत्पुरुष समास होगा। शांति दूत में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो थोड़ा बहुत में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका जो है द्वंद समास होगा, है ना, थोड़ा बहुत समास में कौन सा समास होगा, द्वंद समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीही समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास, बहुव्रीही समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्भिष में कौन सा समास है, तो दुर्भिष में जो है आपका बहुव्रीही समास होगा। दुर्भिष में कौन सा समास है, बहुव्रीही समास। अगला क्वेश्चन है, भूखा प्यासा में कौन सा समास है, तो भूखा प्यासा में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, आपका यहाँ से द्वंद समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका दुपट्टा में कौन सा समास है, तो दुपट्टा में आपका कौन सा समास हो जाएगा, आपका दुपट्टा में हो जाएगा आपका द्वाभिहु समास, है ना। तो दोस्तों ये था जो है आपका हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही उपयोगी होगा, है ना। और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।